हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंसोमनिया माइल। हमारे यूट्यूब चैनल इंसोमनिया माइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम लोग आए और एक नए ऑफबीट डेस्टिनेशन जिसका नाम है मालशेज घाट। सो मालशेज घाट वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है जो महाराष्ट्र में है और जिसका एलिवेशन है 700 मीटर्स। मालशेज घाट फेमस है यहाँ के खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए, यहाँ की मनमोहक वैलीज के लिए। तो इस व्लॉग में हम आपको मालशेज घाट का पूरा टूर कराएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का रिसॉर्ट है, तो इस रिसॉर्ट में भी हम जाएंगे, वहाँ का भी पूरा टूर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। शुरू करने के पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल इंसोमनिया माइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मालशेज घाट जो है, जो वेस्टर्न घाट पे स्थित है, कल्याण अहमदनगर हाईवे पे, और ये मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर्स दूर है और पुणे से लगभग 130 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप ऑफकोर्स खुद के व्हीकल से तो आ ही सकते हो या कोई हायर्ड व्हीकल से, लेकिन अगर आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो आपको MSRTC की जो बस है वो यहाँ पर आपको छोड़ सकती है। आप अगर मुंबई की तरफ से आ रहे हो तो अहमदनगर जाने वाली कोई भी बस मालशेज घाट से होके ही गुजरेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मालशेज घाट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। यहाँ पे काफ़ी रिच फ्लोरा और फौना पाया जाता है, अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पेशली फ्लेमिंगोस के लिए मालशेज घाट काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एनिमल्स में यहाँ पे मैकाओ मंकीज देखे जा सकते हैं और काफ़ी सारे वैरायटी के यहाँ पे आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से मालशेज घाट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, जब आप कल्याण की तरफ से अहमदनगर की तरफ की ओर जाओगे तो आपको ये फर्स्ट वाटरफॉल दिखाई देगा, और ये मालशेज घाट का जो फर्स्ट वाटरफॉल है बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आप ये मैगी वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो, भुट्टा, मैगी, ये सब यहाँ पे खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पे, और इसे देखते देखते आप मस्त मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये मालशेज घाट का सबसे फेमस कार वॉश पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी कार वगैरह आती है वो फ्री में कार वॉश करके चली जाती है। नेचुरली देखिए, आप देख रहे हैं, देखो ये कार वॉश हो गया। सो ये नेचुरल वाटरफॉल है,
जिसे सारे कार्स वगैरह रुक के बस अपने फ्री में कार वॉश करके जाते, तो ये बहुत ही फेमस पॉइंट है मार्शेज घाट का कार वॉश पॉइंट। दोस्तों MTDC मालशेज घाट में आपको अलग अलग टाइप के रूम ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सुपर डिलक्स, एसी, नॉन एसी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप ये सारे रूम्स की जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो MTDC की वेबसाइट पे जाके, जिसकी जो लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो है बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वीकेंड में हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, मुंबई, पुणे, नासिक वगैरह से हमेशा टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो एडवांस बुकिंग करके ज़रूर आना, ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वीकेंड में यहाँ का जो रिसोर्ट होता है वो फुल रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको रूम नहीं मिले। तो यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग बिल्कुल नहीं होता, ऑनलाइन बुकिंग ही चलता है। तो यहाँ पे आने के पहले ऑनलाइन बुकिंग करके ज़रूर आइए। मैं हूँ इस वक्त एक पॉइंट पे जो एक्सक्लूसिवली MTDC का पॉइंट है, जिसका नाम है फ्लेमिंगो पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बादल आए हुए हैं नीचे पूरे, और एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्केप है यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है एक्सक्लूसिवली MTDC का है, लेकिन अगर आप MTDC में नहीं भी रुक रहे हो फिर भी आप यहाँ पे सबको आके आने के लिए अलाउड है यहाँ पे, और आप आके आप इस पॉइंट का मज़ा ले सकते हैं। Thank you.
दोस्तों एमटीडीसी मालशेज घाट के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये एक क्लिफ के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको व्यू मिलेगा, जो बहुत ही मनमोहक और आकर्षक व्यू मिलेगा आपको वैली का। हम जब भी यहाँ पे पहुँचे थे तो पूरा फॉग से भरा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग जब मैं बाहर निकला तो एकदम घना फॉग था, ऐसा लग रहा था मानो आप एक स्वर्ग में आ गए। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि सारे एमटीडीसी रिसॉर्ट्स की तरह यहाँ पे जो रूम्स वगैरह है वो काफ़ी स्पेशियस और बड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है गाड़ी के पार्किंग्स के लिए, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बनाया हुआ है, तो ओवरऑल जो रिसॉर्ट है वो काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ पे आपको आके बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी है बहुत सारी, तो एम्बियंस इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है कि ऑनलाइन बुकिंग। तो यहाँ पे आने के पहले आप आराम से आपके प्लानिंग के हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, और उसके बाद आ सकते हो आप अपने घर पे कंफर्टेबली बैठ के ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे एमटीडीसी का। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको बुकिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बफे ब्रेकफास्ट भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से पैसे वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, तो आपको खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल मुझे जो पूरा जो रिसॉर्ट है ये थोड़ा सा विदर्ड आउट लगा। यहाँ के जो रूम्स वगैरह है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, क्लीन नहीं है, काफ़ी सारा लीकेज वगैरह है। इसकी जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है वो भी काफ़ी पुरानी हो गई है। पूरा रिसॉर्ट जो है ये थोड़ा सा विदर्ड आउट है, तो एमटीडीसी ने ठीक से इसको मेंटेन नहीं किया है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि खाने में यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। जो नाइट टाइम में हमने जब डिनर ऑर्डर किया था तो हमें बहुत ही लिमिटेड मेन्यू मिला, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, और खाने की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी एवरेज है, तो ये एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका। रूम में क्लीनलीनेस बहुत इम्प्रूव करना चाहिए एमटीडीसी ने। हम जब गए थे रूम में तो ठीक से क्लीन नहीं था वहाँ पर रूम। होटल भी जो है, इनका रेस्टोरेंट भी है, वो भी ठीक से क्लीन नहीं है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ये जो रिसॉर्ट है ये महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद चलाता है, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी सारा स्टाफ का शॉर्टेज है। संडे को बहुत सारी भीड़ थी खाना खाने के लिए, लेकिन इनके पास लोग ही नहीं थे सर्व करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे रूम क्वालिटी के हिसाब से मार खाता है रिसॉर्ट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइव स्टार क्वालिटी वगैरह नहीं चाहिए, अगर आप वन और टू स्टार में हैप्पी हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आ। फ्रेंड्स, जो मालशेज घाट जो है ये एक वीकेंड गेटवे है। यहाँ पे मुंबई, पुणे और नासिक से हमेशा टूरिस्ट आते रहते हैं। वैसे तो आप ये एक दिन में भी पूरा कर सकते हो, मॉर्निंग में आके नाइट तक रिटर्न जा सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हॉल्ट करना है तो एमटीडीसी मालशेज घाट रिसॉर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स, यहाँ की खूबसूरत वैली, यहाँ पे बहुत सारे जो फोर्ट्स है जैसे शिवनेरी है, हरिश्चंद्रगढ़ है, यहाँ पे एक रिवर्स वाटरफॉल भी है, तो ये बहुत सारे जो लोकेशंस है ये आप यहाँ पे आके ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल मालशेज घाट एक मस्ट विज़िट डेस्टिनेशन है। जब भी आपको मौका मिले, आप वीकेंड में यहाँ पे आप पूरे फैमिली के साथ मालशेज घाट ज़रूर विज़िट करिए, और स्पेशली मानसून में। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो हमारा मालशेज घाट का जो ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारा YouTube चैनल इंसोमनियामाइल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, घूमते रहिए, फिरते रहिए, अपने सपनों के पीछे बढ़ते रहिए, और तब तक मत रुकिए जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं, यह इंसोमनियामाइल।